नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की तारीख है 3 और दिन है शनिवार। कल शुक्रवार को सामाजिक समारोह में शामिल होना आवश्यक था। कल बड़ा सावा था, शादियों का बड़ा दिन था, इसलिए व्यस्तता अधिक रही और आपसे रूबरू नहीं हुआ जा सका, क्षमा चाहते हैं। सरसों बाजार में जैसा कि पिछले कई दिनों से आपको जानकारी दी जा रही है कि अब ज़्यादा गुंजाइश नहीं है तेजी की और घटने की तरफ बाजार जाएगा, वैसा ही हो रहा है। लेकिन बाजार कल से फिर, कल जहां गिरावट की तरफ बढ़ा था उसमें थोड़ी सी रिकवरी हो गई है, लेकिन अब इसको आप रिकवरी ही कह सकते हैं, तेजी नहीं कहना चाहिए क्योंकि आगे तेजी की गुंजाइश नहीं है। हालांकि अब जो जयपुर की एक प्राइवेट एजेंसी ने जो डाटा जारी किया है सरसों की अवेलेबिलिटी को लेकर के, उसमें ये बताया गया है कि अब किसानों और मिलर्स या प्रोसेसर्स के पास, सभी के पास मिलाकर के लगभग 17 लाख टन सरसों की अवेलेबिलिटी देश में है। और अभी सरसों आने में समय है, पूरा दिसंबर है, पूरी जनवरी है, पूरी फरवरी है, लगभग 3 महीने हैं। और इन 3 महीने के लिए 17 लाख टन सरसों, मुझे तो लगता नहीं कि पूर्ति होती है, लेकिन फिर भी बाजार ये कह रहा है कि अब इसमें तेजी की गुंजाइश नहीं है। सरसों बिजाई के आंकड़े बढ़ा चढ़ा करके बताए जा रहे हैं। हमें लगता है कि सरसों की बिजाई का आंकड़ा 5-7% बढ़ सकता है, लेकिन जो उत्पादन है उसमें गिरावट आने की संभावना पूरी है, क्योंकि जो दिन का तापमान है वो अभी भी काफ़ी ऊंचा बना हुआ है और सामान्य तापमान, जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि आगे आगे जो सामान्य तापमान है वो थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, यानी गर्म रहेगा, तो गेहूं पे भी असर आएगा और सरसों पे भी असर आएगा। इस तरह की खबरें हमने अपने दैनिक डेली बुलेटिन में भी हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। भावताप के साथ साथ दूसरी अच्छी खबरें भी आपको पढ़ने को मिलती है। कॉटन बाजार में अब बाजार ठहरा हुआ सा लगता है या थोड़ा बहुत गिरावट की तरफ है। अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके 1 लाख गांठों के आसपास हो रही है पूरे देश भर की मंडियों में, और नॉर्थ इंडिया के अंदर, खास तौर पे हरियाणा पंजाब के अंदर लगभग चौथे स्तर पर, एक चौथाई जिसको हम बोलते हैं, 25% रह गई है पिछले साल की तुलना में आपके, और क्रॉप भी शायद इतनी ही है पिछले साल की तुलना में, इसलिए भी आपके कम हैं। और बाजार का जो भाव है वो 8500 रुपये से लेकर के 9000 के बीच बना हुआ है। कमोबेश यही स्थिति गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की है, जहां बाजार नया अधिक टूटता है, नया अधिक बढ़ता है, स्टेबल सा बना हुआ है। लेकिन रुई के दाम नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि रुई की मांग नहीं बढ़ रही है। रुई की मांग जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक कच्चा कपास यानी नरमा कपास के भाव जो हैं उसमें कोई बड़ा सुधार दिखाई नहीं देगा। एक समय के बाद में एक आवकों का एक पीक सीजन होता है, जो इस समय है आवकों का पीक सीजन, अब धीरे धीरे कम होगा और जैसे जैसे आपके घटती जाएंगी वैसे वैसे बाजार सुधरना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मेरी जो उम्मीद है या मेरा जो अध्ययन है उसके मुताबिक मैं कह सकता हूं कि नए साल के अंदर भाव कुछ सुधार की तरफ दिखाई दे सकते हैं। ग्वार बाजार भी फिर एक बार फिर ठहरा हुआ है और कोई ज़्यादा घटपट नहीं है। आज भी मंडियों में 5700 रुपये से लेकर के 5900 रुपये तक का कारोबार देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा का कारोबार किसी मंडी में नहीं है। आपके ग्वार में भी कमजोर हैं, बाजार आगे तेज होना चाहिए, उम्मीद पूरी है, ग्वार के अंदर अच्छा बाजार तेज होने की प्रबल संभावना है। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों आज भरतपुर में खुला है 6302, कल 6311 रुपये का भाव था सुबह, और कल शाम को बाजार टूट करके 6250 रुपये तक चला गया था। शाम को ही फिर और देर शाम को फिर ये बाजार 6000 वापिस 320 तक आ गया, लेकिन अब फिर इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट है, 6302 का कारोबार है। सलोनी कल 7050 रुपये पर रह गया था, लेकिन कल ही शाम को सलोनी ने 100 रुपये बढ़ा दिया और 7150 रुपये का स्तर कल शाम को ही कर दिया था, जो आज भी स्टेबल बना हुआ है। जयपुर 6700 रुपये, दिल्ली 6550 रुपये, चरखी दादरी 6450 रुपये, अलवर 6400 रुपये, कोटा 5900 रुपये, सुमेरपुर 6450, नागौर 6300, गंगापुर 6325, नडवई मंडी 6302,
निवई मंडी 6,300, 25 टोंक 6,300, 5 ग्वालियर 6,150, गंगानगर बीकानेर 5,700, खैरथल 6,400, हिंडौन 6,371 और हापुड़ मंडी में भाव रहा है 6,750। आदमपुर में आज सरसों का भाव है 6,061 रुपये, गंगानगर में 6,181, गोलूवाला में 6,200, श्री विजयनगर में 5,775, अबोर में 5,750, सिरसा में 6,000 रुपये, हिसार में 6,300 रुपये, बरवाला में 6,150 रुपये। आदमपुर में आज नरमा बिका है 8,600 रुपये, एलनाबाद में 8,480 रुपये, गंगानगर में 8,571 रुपये, गोलूवाड़ा में 8,650 रुपये, हनुमानगढ़ में 8,551 रुपये, संगरिया 8,375, श्री विजयनगर 8,840, अबोहर 8,490 और सिरसा में 8,510। देसी कपास आज आदमपुर में बिका है 9,402 रुपये और एलनाबाद में 9,611 रुपये। ग्वार आदमपुर में भाव रहा 5,799, गंगानगर में 5,851 और सिरसा में 5,776। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।